वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। एक बार आपसे फिर का स्वागत है हमारी सर्किट थ्योरी में, थ्योरम्स के टॉपिक में। और अभी आज हम पढ़ने वाले हैं टेलीगंस थ्योरम। तो टेलीगंस थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट क्या है? टेलीगंस थ्योरम स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर्स इन एनी सर्किट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारी पावर्स का एल्जेब्रिक सम किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा हमारा जीरो होती है। और जो हमारी सर्किट है उसमें जो हमारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं टेलीगंस थ्योरम में, वो कोई से भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, यूनि डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं, टाइम वेरिएंट हो सकते हैं, टाइम इनवेरिएंट हो सकते हैं। ये हमारे हैं, जैसे कि हमने नॉर्टन्स थ्योरम में पढ़ा था, थेविनियंस थ्योरम में पढ़ा था। तो हमने सबसे पहली लाइन क्या थी उसमें, कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमेशा लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल होने चाहिए। बट टेलीगंस थ्योरम में ऐसा कोई भी वो नहीं है, हमारे टेलीगंस थ्योरम में कुछ भी हो सकते हैं, लीनियर हों, बाई डायरेक्शनल हों, नॉन लीनियर हों, टाइम वेरिएंट जो ऐसे भी हों सभी। तो ये हमने देखा एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर्स इक्वल टू जीरो। पावर हमारी क्या होता है, वी इंटू आई। तो ये हमने लिया समीशन के इजिकल टू वन से एन तक वी के आई के इजिकल टू जीरो हर एक उसमें। इसके बाद हमारा नोट क्या है कि टेलीगंस थ्योरम वेरीफाइड बाय यूजिंग केवीएल एंड केसीएल इक्वेशन। जो टेलीगंस थ्योरम को हम वेरीफाई करते हैं किसकी हेल्प से, केवीएल या केसीएल की इक्वेशन की हेल्प से। और क्या है, टेलीगंस थ्योरम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा जो टेलीगंस थ्योरम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस पर रहती है। इस टेलीगंस थ्योरम को हम अभी एक एग्जाम्पल के साथ में पूरा वेरिफिकेशन करने वाले हैं। हमारा पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह से हम इस टेलीगंस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। हम करते हैं वेरिफिकेशन टेलीगंस थ्योरम का विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब हम इसमें क्या करना है, टेलीगंस थ्योरम में हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले पावर के लिए हमें करंट और वोल्टेज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले करंट पता करने के लिए ये मेरा आईटी है। तो अब देखते हैं आईटी पे कैसे पता करते हैं, उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या है, 3 ओम और 6 ओम दोनों किसमें, हमारे पैरेलल में, दोनों पैरेलल में 6 ओम 3 ओम। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, पहले आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं हम, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में। तो ये हो गया मेरा दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो कितना हो गया, 18/9, तो ये हो गया 2 ओम। और ये 2 ओम दोनों सीरीज में आ गए। अब दोनों सीरीज में आ गए तो क्या हो गया, 2 ओम प्लस 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया मेरा 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया सर्किट का, टोटल वोल्टेज मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, करंट निकाल सकते हैं हम। तो करंट क्या है मेरा, आईटी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट अपॉन 4 ओम। तो कितना हो गया मेरा ये, 3 एम्पियर। तो आईटी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर मेरे दोनों के दोनों सर्किट में क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला, दोनों ब्रांचेस में, 3 ओम और 6 ओम में। अगर दो ब्रांच पैरेलल में हो तो करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। और करंट डिवीजन रूल क्या होता है मेरा, डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से हम क्या कर सकते हैं कि एक तो आई थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। माना कि 3 ओम के अंदर करंट फ्लो हो रहा है मेरा आई थ्री, और ये मैंने कर दिया आई सिक्स। तो अगर आई थ्री की वैल्यू निकालनी है तो आई थ्री की वैल्यू क्या होती है कि 3 ओम के अपोजिट में जो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 3 ओम के अपोजिट में कितना, 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना, 6 प्लस 3 इंटू टोटल करंट मतलब IT। तो IT कितना मेरा, 3। तो ये हो गया मेरा 6/9 इंटू 3, 3 से ये 3 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स, तो हो गया 2 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू होगी मेरी 2 एम्पियर। अब I6 की वैल्यू निकालनी है तो I6 की वैल्यू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम के, 3 ओम। तो 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। 3 अपॉन 9 इंटू 3, 3 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये, तो 1 एम्पियर। I6 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1 एम्पियर। अब हमारे पास IT आ गया, I3 आ गया, I6 आ गया, इसके बाद हम वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर मेरा करंट कितना है, I3 2 एम्पियर, और ओम रेजिस्टेंस कितना है ये, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 6 वोल्ट। सिमिलरली ये 1 एम्पियर और 6 ओम, तो इसमें भी मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 6 वोल्ट। और यहाँ मेरा 3 दूनी 6, यहाँ भी मेरा हो गया 6 वोल्ट। इसके अंदर अब हम पावर कैलकुलेट करनी है। पावर होती है V इंटू I, तो V इंटू I करते हैं हम हर एक ब्रांच के लिए। तो इसका वोल्टेज कितना, 6 वोल्ट, और करंट कितना है, 2।
तो हम कह सकते हैं पहले तो बी थ्री इंटू आई थ्री मतलब 3 ओम के अक्रॉस हमारा वोल्टेज एन ये प्लस बी सिक्स इंटू आई सिक्स प्लस बी टू इंटू आई टू माइनस बी एस इंटू आई टी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि इस पावर कर लिया हमने सारे एलिमेंट्स की, तो उसका हमारा सम कितना होना चाहिए 0। तो अब इसमें कर रहे हैं हम, तो कितना आया मेरा 6 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर। इसको हम लिख देंगे 6 इंटू 2 प्लस बी सिक्स में हो गया 6 इंटू 6 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर प्लस बी टू और आई टू में कितना हो गया, वोल्टेज तो है मेरा 6 वोल्ट और करंट है मेरा 3। 6 इंटू 3 माइनस बी एस कितना मेरा 12 वोल्ट और करंट कितना है 3। तो ये हो जाना चाहिए मेरा 12 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना हो गया मेरा प्लस का 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा वेरीफाई हो गया कि पावर एट एनी इंस्टेंट इन ए सम इज ए एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।